सो so, स्वागत वंस अगेन इन माई चैनल गीज़ा एजुकेशन आई एम संदीप शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू एंड टुडे स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्दर टॉपिक्स ऑफ द रे ऑप्टिक्स आज जिस बात पर हम लोग डिस्कशन करेंगे जिस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है रिफ्रैक्शन ठीक है देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बीच में मैं थर्मोड के वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ बट वेरी सुन आली बैक टू इट ओके क्योंकि मैं लाइट का शुरू कर चुका हूँ स्टूडेंट्स मेरे पास ट्वेल्थ के ज़्यादा है वो बार बार मुझसे कह रहे हैं कि मैं ट्वेल्थ का जितना हार्ड एक टॉपिक जल्दी पहले कम्प्लीट कर दूँ तो मैं बीच में जल्दी स्थमो डानविक्स के साथ वापस आऊँगा ठीक है डोंट वरी फॉर देट ना आई वुड से जेई मेन्स और नीट तक के जो क्वेश्चन है वो मैं अगले टॉपिक हो सकता है मैं आपको अगले वीडियोज में और डिस्कशन करूँ वैसे तो मैंने लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया था उतने न्यूमेरिकल्स के बाद मैं रिफ्लेक्शन पे एक छोटा सा केवल क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स का एक सेट बनाऊंगा जिसमें कि हम लोग डिस्कशन करेंगे मैं आपको दूंगा पहले आप फिर से करिए या आप मेरे साथ करिएगा दोनों ही तरीके वाजिब हैं ओके बिफोर मूविंग टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेट मी क्लैरिफाई यू जो भी चीज़ें आपने ऑर्डर में पढ़ी हैं रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग रिफ्रैक्शन पर पहुँच रहे हैं देखिए इफ आई टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन ये रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है रिफ़्रैक्शन को समझने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल आपको मैं तरीका बताता हूँ आप उसमें देख सकते हैं आप एक ग्लास लीजिए एक ग्लास में मान लेते हैं कि आपका पानी भरा हुआ है इसमें आप एक पेंसिल डाल दीजिए तो जो आप पेंसिल इसमें डालेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि ये पेंसिल जो ग्लास के अंदर होगी वो कुछ मुड़ी हुई सी दिखाई देगी आपको आप ये खुद करके देखिएगा आप, आपके पास ग्लास है आप उसमें डाल के देखिए पेंसिल तो पेंसिल जो ग्लास के अंदर है वो आपको कैसी दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई दे रही है ठीक है तो ये एक रिफ्रैक्शन फिनमना का एग्जाम्पल है ये रिफ्रैक्शन होता क्या है अभी हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं और ये क्यों होता है ये भी डिस्कशन करते हैं ठीक है रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं देखिए रिफ्रैक्शन है क्या आ, मैं इसको रब कर देता हूँ देखिए रिफ्रैक्शन एक्चुअली है क्या पहले वो समझाते हैं फिर क्यों है उसकी बात करते हैं सपोज़ ये कोई इंटरफेस है इफ़ आई टॉक अबाउट इंटरफेस तो इंटरफेस क्या होता है इंटरफेस उस बाउंड्री को कहते हैं जो दो मीडियम को सेपरेट करता है मान लेते हैं यहाँ एयर थी और यहाँ पानी शुरू हो रहा था तो जैसे ही ये मीडियम की बाउंड्री आप देखेंगे इसको इंटरफेस कहा जाएगा है ना तो ये इंटरफेस है यहाँ पर एयर ख़त्म होता है और वाटर शुरू होता है ठीक है हमने एक जनरल बात की यहाँ एयर है यहाँ वाटर है कुछ भी दो मीडियम हो सकते हैं यहाँ वाटर हो सकता है यहाँ ग्लास हो सकता है यहाँ एयर हो सकता है यहाँ ग्लास हो सकता है एनी मीडियम इट कैन भी मैं इनको जनरली वन और टू से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ इसके पहले वन मीडियम है इसके पहले इसके पहले बाद टू मीडियम है इस इंटरफेस के बाद लाइट आ रही है कहीं से रे के तरीके से ठीक है जिस पॉइंट पर आ रही है वहाँ पर हम नॉर्मल खींच देते हैं खींच दिया भाई तो लाइट नॉर्मल पे पढ़ने के बाद जो रास्ते उसको जाना चाहिए जो उसका रास्ता है ये रास्ता है ना भाई ये इस रास्ते नहीं जाएगी मैं थोड़ा फिगर ठीक से बना दे रहा हूँ फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है मैं फिर से ड्रा कर दे रहा हूँ एक ऐसी लाइट मैं खींच दे रहा हूँ ठीक है इस प्रकार से ठीक इसको ऐसे बना लो इसे लाइट को अगर ये मीडियम यहाँ नहीं होता तो ये सीधे ऐसे निकल जाती लेकिन यहाँ मीडियम है यहाँ मीडियम चेंज हो गया है तो मीडियम चेंज होने की वजह याद रखिएगा यही वजह होने वाली है अभी डिस्कस करेंगे दैट चेंजिंग ऑफ मीडियम इज कॉज अभी आप समझ में आएगा क्यों जैसे ही मीडियम चेंज हुआ ये लाइट को जो इस रस्ते जाना चाहिए वो इस रस्ते ना जाके इस रस्ते से भटक जाती है इट गेट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ आइदर इट कैन डेविएट्स दिस वे और इट कैन डेविएट दैट वे ठीक है सीधे रास्ते नहीं जाएगी वो या तो उस रास्ते से उधर भटकेगी या इधर भटकेगी दोनों भटकाव का एक नाम है वी आर हैविंग अ स्पेशल नेम फॉर दैट डेविएशन लेट्स सी व्हाट बॉट आर टॉकिंग अबाउट तो पहले मैं ये रही मिटा दे रहा हूँ देखिए पहला भटकाव देखते हैं और ये भी मिटा दे रहे हैं जो रास्ते उसको जाना चाहिए था देखिए ऐसा है ये है नॉर्मल तो जो लाइट आ रही है लाइट अगर नॉर्मल की तरफ बेंड होती है अगर नॉर्मल की तरफ बेंड होती है तो एक तरीका ये हो गया और एक तरीका हो गया नॉर्मल से अवे बैंड होने का ठीक है यानी नॉर्मल खींच दीजिए ये आई आपकी लाइट यहाँ पे और इस बार ये रास्ते जाना चाहिए लेकिन ये रास्ते ना जाके थोड़ी सी उस तरफ डेविएट हो गई ठीक है अब ये जो मैंने एंगल बनाया हुआ है वैसे ही एंगल मैं यहाँ भी बना देता हूँ ये है क्या पहली बात तो ये जो आने वाली रे है ये इंसिडेंट रे है ठीक है ये इंसिडेंट रे है ये दूसरे मीडियम में जो रे है वो इसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं जो एंगल ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं जो एंगल ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं इसको मैंने आई से डिनोट कर दिया इसको मैंने आर से डिनोट कर दिया ठीक है तो ये सिंपल फिनॉमुना हो गया यहाँ भी वही कर लीजिए ये इंसिडेंट रे है आपकी ठीक है ये एंगल आई है और ये एंगल आर है ठीक है ये रिफ्रैक्टेड रे अब मैं आपको ये वजह बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों वाई दिस इज़ ऑल टेकन प्लेस देखो यार इट्स वेरी सिंपल लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है नोट इट डाउन द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम देखो ऐसा ऐसा है लाइट क्या है लाइक अभी तो हम लोग उसका वेव नेचर डिस्कस नहीं कर रहे हैं लेकिन द रियलिटी इज़ दैट कि लाइट एक इलेक्ट्रो वेव है लाइट इज अ मैग्नेटिक जितने भी प्रकार की तुम लाइटें देखते हो ना वो सारी की सारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है सब सब एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है एक बहुत बड़ा एरे है कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा तो वो एरे बताऊंगा एक्चुअली हमारे पास जितने प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं गामा रेज एक्स रेज यू रेज आपका ये ये लाइट जो कि पूरा आप विग्योर देखते हैं ना पूरा सात रंग में डिवाइड हो जाती है सात रंग का कॉम्बिनेशन ये वाइट लाइट जो है ये वो विजिबल लाइट है जो हम देख सकते हैं बाकी गामा रे एक्स रे ये सब तुम नहीं देख सकते माइक्रोवेव ये नहीं देख सकते बहुत लंबी रेंज है ये ठीक है ये पूरी एक ये इस पूरे ऑर्डर को इस पूरी रेंज को ही हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं वी विल डिस्कस अबाउट इट सम हाउ लेटर ऑन तो अभी मैं कह रहा हूँ जितने भी प्रकार की लाइट में ब्रेक हो जाती है हमारी वाइट लाइट ये ब्रेक ये ब्रेकिंग का फिनना डिस्पर्शन का होता है ये भी पार्ट में डिस्कस होगा जब आगे कभी आएगा अभी आप ये समझ लीजिए कि हम एक ऑर्डनरी वाइट लाइट की बात कर रहे हैं वो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कभी भी यार फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है ये दिमाग में बैठा लीजिए अभी आप इसे नोट डाउन कीजिए ऑफ एनी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव द फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेज वाइल ट्रैवलिंग लेट मी टेल यू दिस इज वेरी क्लियर फ्रीक्वेंसी यार डिपेंड करती है सोर्स पे नंबर ऑफ साइकल्स जो प्रोड्यूस कर रहा है ना ये यहाँ पे सोर्स बैठ के कर रहा है ये सोर्स इसे चेंज कर सकता है ये रास्ते में जाने वाली लाइट किसी मीडियम से नहीं चेंज होने वाली इस रस्ते में ये लाइट ट्रैवल करेगी फ्रीक्वेंसी उसकी एज इट इज रहेगी जो दो चीज़ों में चेंज आता है वो है उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ ये आप समझ लीजिए एक सिंपल सा आप रिलेशन तो जानते ही है ना आई होप ये आप जानते हैं देखो होता क्या है यार एक वेव की बात करो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी एक वेव फॉर्म की तरह चल रही होगी ठीक है अब ये वेव फॉर्म देखो तुम्हें पता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको अगर हम टाइम पीरियड कह दें टी टाइम लगा उसको ठीक है एक साइकिल कंप्लीट करने में वेव जितनी आगे निकल जाती है उसी को वेवलेंथ कहा जाता है ये सब चीजें रेलिवेंट है ओके दिज ऑल आर रेलीवेंट तो उसने डिस्टेंस कवर किया लैमडा वेव कितना आगे निकल गई लैमडा टाइम कितना लगा टी यही होगी उसकी स्पीड विलोसिटी इज इक्वल टू लेमडा भाई आप जानते हैं टाइम वन अपॉन टाइम पीरियड देखिए टाइम पीरियड में अगर टी टोटल टी टाइम पीरियड जो है उसमें कितने सेकेंड लग रहे हैं मुझे नहीं पता टी टाइम पीरियड में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है ओके okay? तो टी सेकेंड में अगर एक साइकिल तो कंप्लीट हो रही है तो वन सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही होगी वन अपॉन टी? एक सेकेंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है एक सेकेंड में कोई वेव कितनी साइकिल कंप्लीट करती है आप समझिए इस चीज को साइकिल आप समझते हैं ना फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है यार कि वो जो ये ये जो वेव फॉर्म है ये बार बार यही वेव फॉर्म रिपीट होती जाती है तो एक वेव फॉर्म बनने में जो समय लगता उसको है उसको टाइम पीरियड कहते हैं तो टाइम पीरियड एक अलग चीज़ है वो पूरे वेव फॉर्म में लगा हुआ समय और फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में कितना साइकिल वो कंप्लीट कर पा रही कितना वेव फॉर्म कम्प्लीट कर पा रही है तो विलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट लेमडा आगे गई टी टाइम लिया वन अपॉन टाइम पीरियड को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी को हमने म्यू से डिनोट कर दिया तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी चेंज होगी क्या वेलोसिटी और वेवलेंथ ये बात समझ में आई आपको फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट चेंजिंग बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन सोर्स सोर्स को जब तक चेंज नहीं करोगे सोर्स जब तक चेंज नहीं करेगा उसे फ्रीक्वेंसी वेव की चेंज नहीं होने वाली ठीक है वापस आते हैं हम लोग जो बात कर रहे थे यहाँ पे देखो ऐसा है यार वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी और वन टी जो है फ्रीक्वेंसी होती है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी ये फॉमुला याद रखना बड़ा काम का फॉर्मला है ठीक है अब देखो वापस मैं ये सब रब करता हूँ मैं जब समझा रहा था वो ये क्या था मैं आपको ये बता रहा था कि लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है और यही वजह है कि लाइट की स्पीड अलग मीडियम में अलग होने से लाइट अपने रास्ते से भटक जाती है जब उसे हल्का मीडियम लगता है तो वो तेज़ हो जाती है ये वो केस है जो मीडियम में जा रही है अगर वो हल्का है इसके रिस्पेक्ट में कैसा हल्का ऑप्टिकली हल्का ऑप्टिकली लाइटर ऑप्टिकली रेयरर, अलग अलग नाम है ठीक है अगर वो मीडियम थोड़ा डेंसर है थोड़ा घना है ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिक्स मतलब लाइट कंसर्न लाइट के कंसर्न में वो डेंसर है हो सकता है अभी तक आप मास डेंसिटी जानते थे जो चीज़ घनी दिखती है शहद ज़्यादा घना होता है शहद ज़्यादा डेंसर होता है पानी से ठीक है लेकिन जनरली जो जो नॉर्मल डेंसर होती हैं वही ऑप्टिकली डेंसर भी होते हैं लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ देखने में तो आपको लगेगा लाइटर है ये लेकिन वो ऑप्टिकली डेंसर हो सकता है तो ये ध्यान रखिएगा दोनों डेंसिटियों को मिक्स मत कीजिएगा वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल डेंसिटी तो अगर लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है और डेंसर से अगर रेयर में जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंड करती है ठीक है अब इतनी बात आपको समझ में आई अब मैं कुछ आगे जो बता रहा हूँ समझ गए वजह क्या है वेलोसिटी का अलग अलग होना अलग अलग मीडियम में ही वजह है कुछ चीज़ें मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ पहले आप लिख लीजिए देखिए सबसे पहली चीज़ तो ऐसी है कि लाइट अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है रिफ्रैक्शन का मतलब यही है रिफ्रैक्शन को कैसे आप डिफाइन करेंगे वेन एवर आप लिख सकते हैं वेनएवर आ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ आइदर इट बेंड्स टूअर्स द नॉर्मल और इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर और फ्रॉम डेंसर टू रेयर ठीक है इज इट क्लियर दिस इज द फिनॉमिना ऑफ रिफ्रैक्शन वाई इट इज हैपनिंग बिकॉज द वलॉसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया एंड बिकॉज ऑफ विच द रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस रिफ्रैक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग है अभी ये रिफ्रैक्टिव वाला पार्ट में डिस्कस करता हूँ पहले मैं लॉ डिस्कस कर दूँ तो अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो दो लॉ हैं उसकी पहली लॉ जैसे रिफ्लेक्शन की दो लॉ थी याद करिए नॉर्मल रे इंसीडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपकी रिफ्लेक्शन की दो लॉ थी इसी प्रकार से रिफ्रैक्शन की दो लॉ है पहली लॉ वही जो थी वही यहाँ पे भी है इंसिडेंट दीज ऑल लाइन द सेम प्लेन ये एक प्लेन में है ये सब कुछ ये बोर्ड ही इसका प्लेन हो गया इस समय अगर इस हाथ में मैं ये लाइट ऐसे ला रहा हूं तो इसी हाथ के प्लेन में ही बॉडी रिफ्रैक्ट होगी ऐसा नहीं कि ऐसे आ रही तो रिफ़्रैक्शन वो ऐसे कर रहा है इस प्लेन से चेंज नहीं होगा लाइट ऐसे आ रही है लाइट ऐसे आ रही है आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको लाइट अगर ऐसे आ रही है ऐसे लाइट आ रही है तो ऐसे ही रिफ्रैक्ट होगी ऐसे आ रही है ऐसे रिफ्रैक्ट होगी ऐसे ऐसे आ रही ऐसे होगी ऐसे आ रही ऐसे होगी लेकिन प्लेन को चेंज नहीं करेगी आप ऐसा देख सकते हैं प्लेन को चेंज नहीं करेगी प्लेन वही रहेगा पहली लॉ क्लियर हुई दूसरी लॉ क्या कहती है दूसरी लॉ ये कहती है कि जितना एंगल ये बना रही है इंसिडेंट रे नॉर्मल से उस एंगल का साइन वो एंगल का साइन एंगल बना रही है आई तो मैंने उसका साइन ले लिया तो साइन ऑफ आई और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बना रही है उस एंगल का साइन हमेशा ये रेशियो एक कांस्टेंट होता है स्टेंट और इस कॉन्स्टेंट का एक नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट जिस मीडियम में वो गई है अगर वो टू है जिस मीडियम से गई है, अगर वो वन है तो इसको हम लोग कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं जिस मीडियम में जा रही है उसको राइट में लिखो और जिससे जा रही है उसको लेफ्ट में लिखो कैसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन या चाहें तो इसको ऐसे भी लिखते हैं आप ऐसे म्यू बना के जिस जिधर जा रही है उसको पहले लिख दीजिए जिससे जा रही है उसको बाद में लिख दीजिए ये दोनों लिखने का एक ढंग है केवल कभी कभी म्यू की जगह एन ऐसे भी बना देते हैं लोग बात वही चीज़ है है ना एक ही बात कहने के दो तरीके हैं उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए तो ये कांस्टेंट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन जो रेशो बनाता है जो रेशो मतलब एक नंबर रेशियो एक नंबर होता है वो नंबर एक कांस्टेंट है नंबर है तो कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ये बात समझ में आई इसका मतलब अगर ये कॉन्स्टेंट है तो क्यों ये क्यों ना ये एक नंबर मैं इसको लिख देता हूँ मान ली नंबर के है अभी मैं इसको के मान लेता हूँ मतलब मैं नंबर मान लेता हूँ ये चूंकि एक नंबर है ना एक वैल्यू आएगी ये इस वैल्यू को तो अगर साइन आई अपॉन साइन आर है और इज इक्वल टू के आ रहा है मान लेते हैं के की वैल्यू आ रही है 1.3 मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या है यार कि साइन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टाइम्स साइन ऑफ आर ठीक है इसका मतलब ये है कि तुम अब आप ये देख सकते हैं कि जितना तुम देखो ऐसा है एक बात याद रखो हमेशा जिस एंगल का रेशियो ये बना हुआ है जो उनके नंबर जो उनके साइन का रेशियो है तुम जितना एंगल बढ़ाओगे रिफ्रैक्शन तो हो गई ना तो जितना बढ़ाओगे इसी रेशियो के हिसाब से वो एंगल भी बढ़ता जाएगा अगर इसको ज़्यादा एंगल पे लेके आ रहे हो तो ठीक है इतना एंगल तो नहीं बनेगा अब ऐसा रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो जिस हिसाब से तुम आई बढ़ा रहे हो उस हिसाब से तुम्हारा आर भी बढ़ेगा ताकि हमेशा साइन आई अपॉन साइन आर कॉन्स्टेंट रहे क्योंकि आपको पता है कि अगर आई बढ़ा रहे हो तो आर को भी बढ़ना पड़ेगा ठीक है अगर साइन का आप जान रहे हैं ये चीज़ ज़ीरो से नब्बे तक तो आप जानते हैं जीरो से नब्बे डिग्री तक जितना बड़ा एंगल होता है उतनी ज़्यादा साइन की वैल्यू आती है अधिकतम वैल्यू वन होती है वो तो जितना तुम एंगल आई बढ़ाते जाओगे उतना तुम्हारा आर भी बढ़ेगा ठीक है और बढ़ा दोगे आई मान लो आई ये है तो कोई बात नहीं उस हिसाब से आर भी बढ़ जाएगा क्या फ़र्क पड़ेगा ज़रूरी फ्रैक्शन होगा ठीक है तो हमेशा ये रेशियो को आप ध्यान रखिए ठीक है ये बात समझ आई जो लाइट की वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग है एक्चुअली रिफ्रैक्शन फिनमना हमें ये बताता है कि कोई भी आने वाला मीडियम लाइट के रिस्पेक्ट में या लाइट के मूवमेंट के रिस्पेक्ट में कितना स्लो या फास्ट है ठीक है पहले मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि मैं अपनी बात को और अच्छे ढंग से कह पाऊँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ स्नेल्स लॉ अच्छा ये इस 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 रेशियो को जो हम लोग ये बना रहे हैं यहाँ पे ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्सटेंट ये जो हमारे पास ये पूरी चीज़ आई है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्सटेंट इस ही हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं ठीक है थीके? ये ये स्नेल्स लॉ हो गई तो ये आपके दो लॉज क्लियर हो गए पहली लॉ तो ये है कि इंसिडेंट है रिफेक्टेड इन द नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन सेकेंड लॉ हो गई स्नेल्स लॉ यानी साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन ये ऑलवेज एक कॉन्स्टेंट है दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट अब बार बार ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या उसके लिए पहले मैं इसको जरा रफ कर दे रहा हूँ ठीक है देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत ध्यान से समझना इसको दो मिनट लगेगा पूरा क्लियर हो जाएगा देखो मैं कह रहा हूँ आप इस चीज़ को समझिए मैं ये कह रहा हूँ हम लोग डिस्कस करने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है ये क्या है भाई देखो बड़ी सिंपल सी बात है यार जिस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ठीक है इसको हम लोग जनरली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ये है क्या यार ऐसा है लाइट की स्पीड एयर में कितनी है अगर हम उसको वी बोल दें लाइट की स्पीड एयर में कितनी है अगर उसको वी बोल दें और लाइट की स्पीड उस मीडियम में जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है कितनी है तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम बोल देते हैं इसका रेशियो ही उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है यानी लाइट की स्पीड एयर में कितनी होती है जनरली हम लोग कन्वेंशली उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं लाइट की स्पीड जो एयर में होती है उसको हम लोग सी कहते हैं आई होप ये बात समझ में आएगी सी की वैल्यू भी होती है तीन लाख किलोमीटर पर सेकेंड थ्री ट्वेंटी पावर एट मीटर पर सेकेंड ओके आई एम श्योर दैट यू माइट बी नोइंग अबाउट ऑल दिस ओके सो लाइट स्पीड इन द एयर इज सी लाइट स्पीड इन द मीडियम लेट कंसिडर इट टू बी वी देन म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी द रेशियो इट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम कैन बी डिफाइंड एज आप इसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम कैन बी डिफाइंड एज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दिस इज ऑल् ओनली नोन एज द रिफ्लैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम आज वो बात ये समझ में आ रही है आपको और इसी को हम लोग उस मीडियम का एक्चुअली एप्सल्यूट रिफ्लैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं दिस ऑल्सो नोन एज इसको चाहे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम के या उस मीडियम का एप्सल्यूट देखिए एप्सोल्यूट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि एप्सोल्यूट का मतलब ये है कि एयर के रिस्पेक्ट में जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन अभी बताया था ना अभी मैं समझा दूंगा अभी ये सम, अभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम क्लियर हुआ ठीक है अब ऐसा है मान लेते हैं ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू है इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वी वन है इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वी टू है ठीक इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अगर वी वन है इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अगर वी टू है तो वी वन अपॉन वी टू क्या होगा भाई वी वन अपॉन वी टू होगा वही जो तुमने अभी पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन यानी वही कांस्टेंट जो स्नैल्स लॉ का था इसी को बराबर हम लोग साइन आई अपॉन साइन आर लिख देते हैं जो अभी तुमने स्नैल्स लॉ पढ़ी थी साइन आई अपॉन साइन आर जिसको तुमने ये पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इस कॉन्स्टेंट का नाम दिया था हमने और यही कॉन्सटेंट होगा जो भी विलॉसटी होगी लाइट की उस मीडियम में जिस मीडियम से आ रही है विथ रिस्पेक्ट टू वो मीडियम में जिस मीडियम में जिस जा रही है ठीक है इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए क्योंकि ये आपको बहुत चीज़ें बताने वाली है अब सोचिए कि ये वैल्यू ये वैल्यू अगर वन से मान लेते हैं ये एक नंबर है अगर ये नंबर वन से बड़ा होगा तो अगर ये नंबर वन से बड़ा होता है मान लेते हैं नंबर आ रहा है वन पॉइंट टू या एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं मान लेते हैं वी वन अपॉइन्ट वी टू इज इक्वल टू टू आ रहा है मान लेते हैं एज्यूम कर लो कि फ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू वन जो है अगर टू आ रहा है क्योंकि वो तो एक नाम है ना उस कॉन्स्टेंट का एक नाम है अगर ये टू आ रहा है तो क्या आप ये देख सकते हैं वी वन इज़ इक्वल टू टू टाइम्स वी टू यानि पहले वाले मीडियम में जो स्पीड थी वो दूसरे वाले मीडियम की जो स्पीड है उसके दो गुना थी या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू यहाँ ले आइए ये लिख सकते हैं कि दूसरे वाले मीडियम में जो स्पीड है वो पहले वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में आधी रह गई है वी वन बाई टू रह गई है वी टू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एक्चुअली बताता क्या है यार यही बताता है कि लाइट की स्पीड कितनी धीमी या कितनी तेज हो गई अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसमें जा रही है लाइट और ये वन जहाँ से जा रही है अगर ये वैल्यू वन से बड़ी आती है तो लाइट की स्पीड घट जाएगी लाइट की स्पीड घट जाएगी आपने देखा ये वन से बड़ी है अगर ये वैल्यू वन से छोटी है तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी यानी वही फिनना जब तो जो मीडियम का वन से बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस मीडियम में जो लाइट रहेगी वो नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी जो रिफ्रैक्शन फिनमुना देख रहे थे ना एक नॉर्मल की तरफ बैंड करती थी एक नॉर्मल से सेवे बैंड करती थी और जिस मीडियम में इसकी वैल्यू वन से छोटी होगी उस मीडियम में वो नॉर्मल से सेवे बैंड करेगी चूँकि वो ऑप्टिकली रेरर होगा तो डेंसर से रेरर जब जाएगी तो हमेशा याद रखिए कि ये वैल्यू वन से छोटी होगी और एरर से अगर डेंसर जाएगी तो ये बस सिंपल शब्दों में याद रखना है बहुत ही सिंपल कीप इट सिंपल द मोर ऑप्टिकली डेंसर अ मीडियम इज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा द मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अ मीडियम इज हैविंग इट मींस इट विल स्लो द लाइट बाय मोर अमाउंट जितना बड़ा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका मतलब है उसकी ये शक्ति है उसकी ये पावर है कि वो लाइट उतना स्लो कर सकता है उतना डेंसर है वो तो याद रखिएगा ऑप्टिकली रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है डेंसर मीडियम का ज़्यादा होता है कोई भी दो मीडियम है कौन सा ऑप्टिकली रेरर है कौन सा डेंसर है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख के आप बता सकते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा जिसका कम होगा वो ऑप्टिकली रेरर होगा आई बात समझ में आपको अच्छे से क्लियर हुआ ये तो ये क्या है वी वन अपॉन वी टू कह लो और इसी को हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं हम ये लाइन मिटार देते हैं इसी को हम लोग वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं लेमडा वन अपॉन लेमडा टू ये बात समझिए आप ठीक है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ एक्चुअली ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है देखिए एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड लगभग लगभग सेम होती है कोई फ़र्क नहीं होता उसमें अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वन होता है और वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वन होता है ठीक है तो एक्चुअली एयर और वैक्यूम को मैं मिक्सअप करता रहूँगा लेकिन वैसे ये जो म्यू है वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ही है तो मैं वैक्यूम कह दूँ एयर कह दूँ उसको एक ही मान के चलिएगा वैसे रियल डेफिनेशन में उसको वैक्यूम बोला जाता है लेकिन वैक्यूम चूँकि हर जगह होता नहीं है यार हर जगह तुम्हारी एयर मौजूद है तो एयर के रिस्पेक्ट में भी उस चीज मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विध रिस्पेक्ट टू एयर जो होता है इसका मतलब एयर से लाइट जब किसी मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो कहा जाता है वही उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहा जाता है यानी अगर वैक्यूम से लाइट उस मीडियम में जाती है या एयर से लाइट उस मीडियम में जाती है दोनों की वैल्यू लगभग लगभग सेम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है ना विलोसिटी में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा अगर एयर से वैक्यूम में चली गई लाइट यहाँ से लाइट जो लाइट आपकी सन से आ रही है तो पूरा यूनिवर्स वैक्यूम है अरे मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यूनिवर्स में आधे से ज़्यादा जगह सब वैक्यूम ही है तो वैक्यूम से आ रही थी खाली जगह थी वो जैसे एयर के एटमॉस्फेयर में आई तो वहाँ एयर मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने पे वहाँ एयर हो गई तो वहाँ पे आने पर कोई लाइट की स्पीड में कोई खास फर्क नहीं पड़ता ना ही बहुत रिफ्रैक्शन होता है वो लगभग लगभग जैसे आ रही होती है वो उसी रेज में सीधे सीधे आती है ज़्यादा डेविएशन नहीं होता होता भी है तो बहुत मामूली ठीक है वापस आते हैं तो ये बात समझ में आई आपको तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देखा जाए तो सबसे कम तो वैक्यूम का ही हुआ भाई वन और सबसे ज्यादा डायमंड का माना जाता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग टू पॉइंट फोर सिक्स समथिंग जो है होता है ठीक है ये डायमंड के लिए है तो अब हम लोग जल्दी से अपनी चीजें समअप करते हैं रिफ्रैक्ट पहली लॉ तो आप जानते ही हैं इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रिफ्लैक्टेड रिफ्क नॉर्मल ऑल आई इन द सेम प्लेन द सेकेंड लॉ वॉज स्नेल्स लॉ यानी साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर ये मैं जल्दी से रिकैप करा रहा हूँ ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए मैं जल्दी से इसको रब करके आपको खट से रिकैप करा दे रहा हूँ सारी चीज़ें तुरंत जल्दी से रिकैप करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है मैं कह रहा हूँ साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ठीक है और दिस इज दिस कैन ऑल्सो भी इक्वल टू विलासिटी ऑफ वन विलासिटी इन मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू विलासटी मीडियम टू और इसी को आप चाहें तो वेवलेंथ के टर्म से भी लिख सकते हैं लेकिन अभी इसको रहन दिए जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बता देंगे ठीक है अभी इतना ही याद रखो तो ये याद रखो अगर रेरर से डेंसर जा रही है ठीक है अगर रेरर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी यानी यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी वो वन से बड़ी होगी याद रखना इस केस में अगर रेरर डेंसर है मान लेते हैं ये मीडियम वन है ये मीडियम टू है तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा आप ऐसे लिखिए टू विथ रिस्पेक्ट टू वन ये वन से बड़ा आएगा दिस इज ग्रेटर देन वन ठीक है बड़ा मीडियम होगा क्योंकि ये डेंसर मीडियम है डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर रेयर से डेंसर जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन से बड़ा होता है ठीक है यही केस यार ऐसे याद रख लो अगर डेंसर से रेयर जाती तो जो एंगल बनाते हुए जा रही होती उससे कहीं ज़्यादा एंगल बनाते हुए डेविएट हो जाती ठीक है तो इस केस में जो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से वही बात है अगर ये वन मीडियम है ये टू मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन जो होता वहाँ लेस देन वन होता याद रखना ये चीज़ें ठीक है ये तुमने पढ़ लिया ये रिकैप हो गया इतनी बात समझ में आई आपको ठीक है अब हम लोग एक काम करते हैं कि अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना को पढ़ते हैं और वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मैं रब कर दे रहा हूँ जो चीज़ नहीं देखी पीछे जाके देख लीजिए ठीक है रिफैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम भी क्लियर हो गया आपको सम समझ गए आप क्या है अब जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ आपकी इस असली परख होगी यू विल बी रियली टेस्टिफाइड वेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स वेदर यू आर बिकम केपेबल इनफ टू सॉ न्यूमेरिकल्स बाय ऑन बाई अपलाइंगल दो लर्नवाई यू ओके लेट्स कम बैक आई वॉज टेलिंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बोर्ड्स के स्टूडेंट भी इसे ध्यान से देखें और uh -huh. कॉम्पिटेटिव वाले भी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है ना रिवर्सिबिलिटी -सी सीबिलिटी ये क्या कह रहा है देखो ध्यान से जल्दी से देखो ये मेरी लाइट आ रही है ठीक है रे के रूप में ये ये इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया होगा ठीक है मान लेते हैं कि रेरर से डेंसर ही जा रही है मान लेते हैं ठीक है तो ये अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक के नॉर्मल की तरफ चल गई होगी ठीक है ऐसे हो गई थोड़ा और और डेविएट कर देते हैं ऐसे कर देते हैं ठीक है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ठीक अगर तुम इसके रस्ते में यार एक प्लेन मिरर लगा दो ऐसे देखो मिरर तुम्हें ऐसे लगाना है कि ये लाइट मिरर पे नॉर्मली पड़े नब्बे डिग्री बनाते हुए अगर ऐसा तुमने किया तुम्हें पता है कि जो लाइट किसी प्लेन मिरर में डिस्कस किया था मैंने लास्ट टाइम जो लाइट एकदम सीधे पड़ेगी नॉर्मली बनाते हुए तो वो उसी डायरेक्शन में लौटा देगा उसको द सेम विल हैपन ओवर हेयर एज वेल द लाइट विच विल स्ट्राइक नॉर्मली टू द्लन मेरर इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्टेड बैक होता क्या है यार जब इसको ये रिफ्लेक्ट करता है तो ये वापस अपने उसी पात पर चली जाती है जिस पात से आई थी ये अपने पात को रिट्रेस कर देती है इसी को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं मतलब अगर आपने उसके रास्ते को जस्ट मोड़ दिया तो जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वापस चली जाएगी इसी को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं अब देखो स्नेल लॉ लगाते हैं इस मीडियम और इस मीडियम के लिए, रिस्पेक्ट में मान लेते हैं मीडियम वन है ये मीडियम टू है तो मैं लिखूंगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ बहुत सी जगह वो रिफ्रैक्टिव इंडक्स ऐसे भी लिखता है टू विथ रिस्पेक्ट टू वन बहुत सी बुकों में ऐसा भी होगा कॉम्पिटेटिव किताबों में भी ऐसा होगा तो आप कंफ्यूज मत होइए वो वन ये ऊपर लिखने के बजाय मैंने नीचे लिख दिया है एक ही बात है ना और कभी कभी ये बगल बगल में भी लिखा होता है एक ही चीज़ है प्रोनाउंस करने के अलग अलग तरीके हैं तो साइन आई अपॉन साइन आर कैन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन दिस इज स्नेल्स लॉ ओके अब एक काम करो भूल जाओ इसको अब ये प्लेन रेयर लगा था इसको भूल जाओ अब ये लाइट को पलटा दिया तो अब ऐसा इमेजिन करो कि ये कोई लाइट है ऐसे जा रही है और डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे बैंड कर गई है ना ऐसे जाना चाहिए जाना इसको ऐसे चाहिए था लेकिन ये नॉर्मल सेवे बेंड कर गई है ना तो ठीक है अगर ये ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं हमें तो पता है ना कि डेंसिल रे में जाती है तो नॉर्मल से भी बैंड करती है तो अगर इधर से स्नेल लॉ लगाएं तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो जाएगी ये वाली और ये हमारी रिफ्लैक्टेड रे हो जाएगी तो हमें क्या कहती है स्नेल लॉ इंसिडेंट एंगल का साइन रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन का रेशियो कॉन्सेंट होता है वो मैं ऐसे लिखूँगा साइन ऑफ अब ये वाला इंसिडेंट एंगल है और वो हमारा डिफ्रैक्टेड एंगल है और किस मीडियम में जा रही है वन में जा रही है टू से जा रही है कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जहाँ जा रही है जहाँ से जा रही है अब इसको यहाँ लिखो या यहाँ यहाँ लिखो यार उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी जो इच्छा है करो ठीक है दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग ठीक है ये बात समझ में आई आपको ये इक्वेशन वन है ये इक्वेशन टू है एक काम करो ये दोनों इक्वेशन को आपस में कर लो मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो इनके एल को अलग मल्टीप्लाई कर लो इनके आर को लेफ्ट हैंड साइड को अलग राइट हैंड साइड को अलग अगर ऐसा करते हो तो ये आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इसका और इसका है इन टू साइन आर अपॉन साइन आई ठीक इज़ इक्वल टू इसको मिटार देते हैं थोड़ा और ऊपर बना देते हैं इसको क्या फ़र्क पड़ता है ठीक है इज़ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू ये कट जाएगा आपस में साइन आर साइन आर साइन आई साइन आई कट गया यहाँ आ गया वन तो हटा के मैं वन लिख दे रहा हूँ ख़त्म करें यहाँ पे लिख देते हैं वन ये बात समझ में आई तो ऐसा करो ये दोनों मल्टीप्लाइड है इसको उठा के इसके नीचे ले आओ हटा दो इसको यहाँ से हटाओ यहाँ लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन कैन बी रिटर्न एज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू यानी कि एग्जाम्पल के तरीके में बता रहा हूँ मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी मीडियम का मान लेते हैं टू मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू वन अगर के है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू वन अपॉन के होगा अब मैंने कहा ना कि कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऐसे एन टाइप का बना के लिखूंगा कभी म्यू टाइप का बना के लिखूंगा जो मैं लिख लूँ उससे कन्फ्यूज मत होना वो यार एक ही चीज़ है वो रिप्रेजेंटेशन है केवल है ना ठीक है ये बात समझ में आई तुमको ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ म्यूनसिपिलिटी इसे नोट कीजिए फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं इतनी बात समझ में आ गई आपको वैसे तो मैं न्यूमेरिकल एक आध करवा सकता था लेकिन पहले नहीं हम लोग दो चार चीज़ें और समझ लें फिर करेंगे आई एम रबिंग दिस डाउन मूविंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल रास्ते में अब देखो फिर से बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ यहाँ पर इस फिनना को देखिए मान लेते हैं एक मीडियम है यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये मान लेते हैं कोई एक मीडियम है ठीक है ये मीडियम वन है ठीक ये मीडियम टू है और फिर से मीडियम वन आ जाता है यानी ये पूरा एक मीडियम था बीच में तुमने कोई एक चीज़ डाल ली मान लो ये पूरा एयर था और एयर में तुमने, तुमने बीच में एक ग्लास प्लेट डाल दी देखो क्या मैं दिखाना चाहता हूँ वो देखो मेन चीज़ ये है ये कोई लाइट आ रही है मान लेते हैं ये इंसिडेंट रे आ रही है ठीक है यहाँ पर एक नॉर्मल खींच दीजिए ठीक तो ये नॉर्मल मान लेते हैं टू जो है वो वन के रिस्पेक्ट में डेंसर है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगी बैंड करा दो ये कर गई फिर से यहाँ नॉर्मल खींचो ठीक है अब यहाँ नॉर्मल खींचा तो अब आपने पाया कि ये लाइट जिस मीडियम में आ रही है वो वापस पहला वाला मीडियम है तो लाइट जो एंगल बना रही थी हॉरिजॉन्टल से बस सेम एंगल बनाती हुई यहाँ से निकलेगी ऐसे इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लो इसका मतलब समझाने के लिए ही हमें बात करनी है वी हैव टू रियली फाइंड इज डाउन कि ये जो लाइट थी डजन मैटर कि इसके बाद तुम कितने मीडियम रख देते इफ यू हैव प्लेस्ड हेयर इज ओनली वन मीडियम इवन इफ यू हैव प्लेसड मोर देन वन मीडियम देन ऑल्सो आफ्टर पासिंग थ्रू द नंबर ऑफ कंजिव कमिंग मीडियम्स द लाइट वुड हैव केम पैरल टू द मीडियम इन विच इट वॉज अर्लियर अर्लियर जिस मीडियम में जिस एंगल पे जा रही थी ना यार कितने भी मीडियम से होती हो जब भी उस मीडियम में वापस आएगी वापस लाइट अपने पुराने पाथ पे आ जाएगी इसमें कोई बदलाव नहीं होता यही हमें दिखाना है यानी उसके लिए मुझे ये साबित करना होगा कि ये वाला एंगल जो है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं वो वाला एंगल इसको एंगल ऑफ इमरजेंस कह देते हैं ये दोनों बराबर अगर हम सिद्ध कर दें तो हम ये कह देंगे कि ये लाइट ये लाइन और ये लाइन पैरल है कैसे कर सकते हैं वो देखो कैसे करेंगे हम लोग देखो ये एंगल आई है तो इसको एंगल इस एंगल को तुम मान लो आर है ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर ये आ रहा है तो ये भी आ रहा होगा बिकॉज दिस टू दिस नॉर्मल एंड दिस नॉर्मल इज एक्टिंग एज अ पेरल लाइन्स इफ इट इज़ अ पेरल दिस इज ट्रांसवर्सल दैन दिस टू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इज नॉट ओके सो दिस टू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सो लेट्स अप्लाई दिस ने्स लॉ बिटवीन मीडियम वन एंड मीडियम टू सो वी कैन अप्लाई इट राइट नाउ वो है लाइक दिस साइन आई अपॉन साइन आर सो वी है वॉट वी आर डूइंग एक्चुअली वी आर अपलाइंग स्नेल्स लॉ विथ रिस्पेक्ट टू medium 2 and 1 okay so when light is going from medium 1 to 2 we are applying snell's law over here what it, it can be written as it can be written as refractive index of 2 with respect to 1 2 with respect to 1 इसमें गई फिर ये light ऐसे आ रही है और इसके बाद इधर चली जा रही है तो यानी कि 2 और 1 के बीच में हम लोग स्नेल'स law लिखते हैं तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्रैक्टेड हो गई अब ये भूल जाओ ये आने वाली रे है इस मीडियम और इस मीडियम की बात हो रही है ये डेंसर से रेयर हो रहा है तभी लाइट नॉर्मल की सेवे बैंड हो रही है तो यहाँ स्नसो लगाते हैं ठीक है ये पहले मीडियम में लगा रहे हैं व्हेन आप लिख सकते हैं व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू ठीक है यहाँ फिर से, से, सेकेंड केस ये केस फर्स्ट था ये केस सेकेंड है यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेन लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम टू टू मीडियम वन यानी टू से वन पे आ रहा है तो यहाँ से लगाते हैं तो लिखेंगे हम लोग यार साइन ये एंगल आर है अपॉन साइन ये एंगल ई है साँग उफ एंगल तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू इस, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू जिस मीडियम से गई लिख सकते हैं अब आप देखिए कितना सिंपल है अब आप क्या करिए ये दोनों इक्वेशन को ये क्वेश्चन फर्स्ट है ये क्वेश्चन सेकेंड है मान लेते हैं ये क्वेश्चन फर्स्ट है और ये क्वेश्चन सेकेंड है इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एल को अलग मल्टीप्लाई कीजिए ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इन टू साइन आर अपॉन साइन ई लिख सकते हैं इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू ठीक है लिख सकते हैं साइन आर साइन आर आपस में कट जाएगा ये बचेगा आपके पास साइन आई अपॉन साइन ई इज़ इक्वल टू ये आपको पता है कि ये दोनों वन टू लिखा है क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं आपने अभी पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से कि वन विथ रिस्पेक्ट वन विथ रिस्पेक्ट टू टू कैन बिटन एस टू विथ रिस्पेक्ट टू वन लिख दिया काट दो ये पूरा वन हो जाएगा अगर ये वन हो जाएगा वन हो जाएगा ना तो ये इसको हटा देते हैं इक्वल टू ये वन है तो वन इंटू साइन ही उधर ले जाओ तो वन इंटू साइन ही साइन ही हो जाएगा यानी ये चीज़ साइन आई इज़ इक्वल टू साइन ई हो जाएगा तो साइन दोनों के बराबर हैं तो इसका मतलब एंगल ही बराबर होंगे रेशियो तभी बराबर होता है जब एंगल बराबर होते हैं तो इसका मतलब एंगल आई और एंगल ई बराबर हैं यही हमको डिस्कस करना था ठीक है एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल ई ही हमको बताना था कि ये रे जो होती है वापस चूँकि मान लेते हैं एयर में थी एयर के बाद ग्लास में आई ग्लास के बाद फिर से एयर में आएगी जैसी एयर में आ रही है ये वापस जिस पोजीशन पे थी उसी पोजीशन पे आएगी हाँ ये बात ज़रूर है कि थोड़ा सा डिस्प्लेस होके आएगी पैरल है ये लाइट भी पैरल ये लाइट इस लाइट के पैरल है लेकिन थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई है इतना इस चीज़ को हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको मैं डिस्कस कर दूंगा आगे कि ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता कितना है है ना इतनी बात समझ में आई ठीक है मैं रब कर दे रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन ये है क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होगा देखिए अब की बार हम फिर से वही काम कर रहे हैं हम दो मीडियम ले रहे हैं मान लेते हैं ये एयर मीडियम मेरे पास ठीक है और ये वाटर है इसके बाद और इसके बाद ग्लास है ठीक है सो और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा ठीक और इसके बाद एयर है ध्यान रखो फिर वाटर है फिर ग्लास है तो ऑब्वियस सी बात है ग्लास के बाद फिर से एयर हो जाएगी है ना ये एयर हो जाएगी एयर को मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि वो तो पता ही है आपको दो मीडियम से लाइट पास करवा रहे हैं देखिए क्या फ़र्क पड़ता है देखिए आप चीज़ों को समझिए देखो लाइट अपनी आई ठीक है लाइट को सीधी बना लीजिए ठीक लाइट इस प्रकार से आ रही है ठीक है लाइट हमारी आई लाइट को सीधा बना लेते हैं ये लाइट हमारी आई ठीक अब इस पॉइंट पे पड़ी ये बन गया नॉर्मल हमारा लाइट थोड़ा एयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी इसका नाम दे देते हैं आई इसका नाम दे देते हैं आर क्यों ना इसका नाम आर वन दे देते हैं फिर इस जगह पे फिर नॉर्मल खींचेगा और ये ग्लास में आ रही है वाटर से अगेन ग्लास वाटर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा डेंसर है तो फिर से ये नॉर्मल से और बेंड करेगी तो मान लेते हैं ये और बेंड की और ये स्थिति हो गई इसकी ठीक है वैसे ही ऐसे जाती तो ये आपका आर वन है ये आर वन है तो ये भी आर वन होगा दोनों अल्टरनेट इंटीरियर हैं है ना पैरल लाइन्स है और इसी प्रकार से ये आर वन है इस मीडियम में पहुँची है ये आपका आर टू एंगल है ठीक है तो ये आर टू होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि इधर करेंगे हम एक काम करते हैं ये आर वन आर टू थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा हम अच्छे से क्लियर कर सकें हम इसको मिटार दे रहे हैं मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से थोड़ा हल्का डेविएट करवाते हैं इसमें ताकि यहाँ पे एंगल बना सकें आसानी से और इसका नाम हमने आर वन चूँकि ये आर वन था ये भी आर वन था ठीक है और उसके बाद फिर लाइट थोड़ा सा और बैंड होगी तो ये लाइट और बैंड हुई और ये ऐसे हम लोग बना देते हैं इसका नाम हम लोग आर टू दे देते हैं तो ये भी आर टू होगा है ना ये आर वन है तो ये भी आर वन होगा ये आर टू है तो ये भी आर टू होगा और उसके बाद लाइट फिर से अपने मीडियम में आ जाएगी वापस एयर वाले तो ये अभी हम लोग पिछले वाले में प्रूव कर चुके हैं वी हैव ऑलरेडी प्रूव इंड दट दैट आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस इसको हम लोग ई लिख देते हैं आई और ई बराबर है ये हमें पता है एंड वी आर गोइंग टू यूज़ इट एनी टाइम फॉर दर ओके सो लेट्स अप्लाई दिस स्नेल्स लॉ ड्यूरिंग दिस मीडियम वैन लाइट इज एंट्रिंग फ्रॉम एयर टू वाटर तो वी कैन राइट एट साइन आई अपॉन साइन आर वन इज़ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्योंकि वाटर में जा रही है एयर से इन दोनों मीडियम के बीच में लिखो तो हम लोग लिखेंगे साइन आर वन चूँकि यहाँ पर एंगल आर वन है और यहाँ पर एंगल आर टू है तो इस एंगल का साइन अपॉन है इन दोनों के बीच में स्नैल्स लॉ लगा रहे हैं अपनाइंग स्लैन्स लॉ यू कैन राइट इट डाउन दिस वेल है ना ये सब चीज़ें मैं लिखवा नहीं रहा हूँ बट यू ये सब आप खुद से लिख सकते हैं ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है रीसा आप लिख सकते हैं वेन लाइट एंटरिंग फ्रॉम मीडियम सेकेंड फ्रॉम वाटर टू ग्लास देन अगेन अप्लाइंग लॉ ऑफ स्नेल्स बिटवीन द टू मीडियम साइन आर वन अपॉन साइन आर टू क्योंकि इस मीडियम में आर वन इस मीडियम साइन आर टू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू कैन राइट इट डाउन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ग्लास में जा रही है वाटर से जा रही है अब एक काम करो यार अब देखो यहाँ पे जो आने वाली लाइट है वो अब वापस इसमें चली आई तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ग्लास और फिर से एयर में आ गई तो मैं थर्ड इक्वेशन ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट है ये इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन थर्ड बनने वाली है साइन आर टू इस एंगल का अपॉन साइन ई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कहाँ जा रही है वापस एयर में जा रही है कहाँ से जा रही है ग्लास से जा रही है ठीक है ऐसे करके लिख सकते हैं ठीक है थीके? ये इक्वेशन थर्ड हो गया आपका ठीक है ना अब एक काम करो ये तीनों इक्वेशन को आपस में कर लो मल्टीप्लाई तो हम लोग लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर वन इंटू साइन आर वन अपॉन साइन आर टू इंटू साइन आर टू अपॉन साइन ई ठीक है इज इक्वल टू मैं नीचे लिख दे रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर सॉरी वाटर ठीक है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास ऐसे लिख सकते हैं ना अब जरा इधर देखो एल एच एस में ये तीनों ही क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया है यू कैन राइट डॉमिन वाइल पॉज द वीडियो एंड यू कैन रियली मेक द वीडियो वट एवर आई एम सींग यू कैन जस्ट पेन इट डाउन एज वेल बहुत अच्छे से डिलीवेशन भी हो जाएगा आपका ठीक है हो मैं ठीक से आपको लिखवा नहीं रहा हूँ चूंकि इससे वीडियो बहुत बड़ा बनेगा लंबा बनेगा एंड इट विल बी बोरिंग एज वेल ओके ये सब आप खुद से लिख सकते हैं बस आप वीडियो पॉज करके लिखते जाइए यहाँ पे आपने स्नैल्स लगाई जब एयर से वाटर में आई फिर वाटर से ग्लास में आई तो फिर स्नैस लगाई आपने ये सेकेंड इक्वेशन आई इधर से इधर आने पर और ग्लास से एयर में आने पर वापस में थर्ड इक्वेशन बनी आपकी स्नैल्स लॉ ये आई फिर तीनों इक्वेशन को आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो एल अलग मल्टीप्लाई हुआ होगा आर अलग हुआ होगा अब देखो एल में साइन आर वन साइन आर वन कट गया साइन आर टू साइन आर टू कट गया और अभी पिछले वाले में ये प्रूफ कर चुका हूँ आई और ई बराबर होता है और साइन आई और साइन ई आपस भी में भी बराबर होता है इनको काट दो तो यार ये पूरा कट के वन हो गया तो इधर लिख सकते हो वन इज़ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इन इंटू बहुत इंपॉर्टेंट एरिवेशन हो रहा है ध्यान रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इतनी बात समझ में आई अब एक काम करो इसको यहीं रहने दो इन दोनों को उधर ले जाओ तो ऐसा अगर करोगे तो मैं इसको मिटार दे रहा हूँ और इसको भी मिटार दे रहा हूँ यानी वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर और एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इन दोनों को मैं इधर ले जा रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा देखूँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इन मैं थोड़ा जगह बना के यहाँ कर दे रहा हूँ है ना यहाँ जगह नहीं है ज़्यादा मैं इतनी चीज़ आपके पास आई है ठीक है और ये चीज़ जो थी बराबर वन के थी ठीक अब मैं ये चीज़ इतना मिटाड़ दे रहा हूँ यहाँ कर दे रहा हूँ मैं देख यहाँ मिटाड़ के यहाँ कर दे रहा हूँ ये चीज़ वन के मैंने कहा कहा कि ये यहीं रहने दो इन दोनों को नीचे ले जाओ वहाँ पर तो हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज़ इक्वल टू दोनों उधर चले गए तो लिख लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लिख सकते हैं ना अब यार वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास को आप लिख सकते हैं ये तो आपने पढ़ाई यही पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू विध रिस्पेक्ट टू वन इस कैन बी रिटर्न रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विध रिस्पेक्ट टू टू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कहीं पर ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दिया है तो वो होगा वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास तो रेसीप्रोकल पढ़ा है आपने तो यानी कि वन अपऑन एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कैन बी रिटर्न एज ये पूरी चीज़ की जगह इस पूरी चीज की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्योंकि ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो होगा वन अपॉन एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास ही होगा तो मैं इसकी जगह ये लिख देता हूँ रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर और ये आ गया रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर और ये बराबर है रिफेक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ अब इस रिलेशन को ध्यान से देखो बहुत ही मज़ेदार रिलेशन है मैं यहाँ पे बाकी सब चीज़ें मिटारने वाला हूँ दो मिनट में आप लिख लीजिए इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया मेरे पास देखो अब इस चीज़ को समझो मैं ये सब मिटार दे रहा हूँ ये सब चीज़ समझ चुके हैं आप देखो ये जो रिलेशन है क्या कह रहा है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कैन बी रिटर्न एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर याद रख लो दिमाग में बैठा लो किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर जो होता है वो उसका एप्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज नोन एज एप्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बार बार ये एयर लिखा नहीं होगा अगर कोई और मीडियम होता है एयर के अलावा तो ज़रूर लिखा होता है लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू एयर है तो वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यानी कि वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है उस मीडियम का क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का होता है वो विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होता है वो एज्यूम्ड होता है वो लिखा नहीं जाएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एयर है वो नहीं लिखा जाएगा लेकिन मुद्दे की बात जो वो समझाना था आपको वो मैं एयर लिख के बता रहा हूं कि ये जो तुम्हें समझ में आया है वो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वॉटर कैन बी रिटर्न रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर